नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म जिसमें आपको एड्रेस चेंज करवाना है वो कैसे फॉर्म भरते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है, तो अपन को डेट यहाँ पर भरनी है। जैसे आज की डेट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और डेट उसी दिन की लिखना जिस दिन आप फॉर्म बैंक में जाके सबमिट करवा ले जाओ। उसके बाद यहाँ पर आता है नीचे कस्टमर नेम, तो आपका यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर जो अकाउंट से जुड़े हुए होना चाहिए, और ये मैंने अपने मोबाइल नंबर। उसके बाद आपके अकाउंट नंबर जो भी आपके चेकबुक डायरी में लिखे हुए हैं अकाउंट नंबर वो यहाँ पर भरने हैं आपको। उसके बाद आपके जो भी ब्रांच है उस ब्रांच का यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे एड्रेस चेंज करवाना है तो एड्रेस पर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको जैसे क्या चेंज करवाएं, जैसे परमानेंट चेंज करवाना है तो इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आता है फ्लैट नंबर, तो जैसे कि आपका फ्लैट नंबर क्या है या डोर नंबर क्या है, तो मैंने यहाँ पर फ्लैट नंबर भर दिया 82। और जैसे रोड या आपका ब्लॉक नंबर, तो मैंने अपना हेनवा रोड। उसके बाद आपकी जो भी सोसाइटी का नाम है वो सोसाइटी का नाम भरना है, जैसे सोसाइटी का नाम है। उसके बाद आप जिस विलेज से हो वहाँ की जैसे लोकलिटी, जैसे कहाँ से हो आप, तो वहाँ पर उसका पता भरना है। जैसे मैंने वाला रामपुरा का हूँ, पूरा रामपुरा। उसके बाद आपकी सिटी का नाम आ जाएगा। उसके बाद स्टेट का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर पिन नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके भी आप डॉक्यूमेंट्स इसके पीछे लगाना चाहते हो उसका, उस पर क्लिक करके ये आधार कार्ड फॉर्म को इसके नीचे करवा रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे। साइन होने के बाद ये जो भी आपने फॉर्म भरा है ये बैंक में जाके सबमिट करवाए। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू सो मच।